साथ के यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आप में से बहुत सारे यूज़र यूज़ करते हैं ड्यूअल रियर कैमरा वाला फ़ोन, और आप देखते हैं उस फ़ोन से आपका बुके इफेक्ट बहुत अच्छा आता है, या फिर आप कुछ भी यूज़ करते हो जैसे कि आपका जो कैमरा एंगल है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो व्यूअर्स, बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि उनके फ़ोन में जो सिंगल कैमरा है वो क्या वर्क करती है, और आप और एक अलग जो कैमरा होता है ड्यूअल रियर कैमरा, तो वो जो सेकेंडरी कैमरा है वो कैसे वर्क करती है, और इससे आप क्या क्या फ़ायदा हो सकती है, आपको आपकी पिक्चर क्लैरिटी में क्या क्या डिफरेंस हो सकती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्यूअल रियर कैमरा के बारे में। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो ड्यूअल रियर कैमरा क्या है, इस बारे में आज बात करेंगे, और इससे आप फ्यूचर में कैसे कैसे इफेक्ट ले सकते हैं। तो दोस्तों, जो आपका जो ड्यूअल रियर कैमरा का फ़ोन है वो फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था 2011 में HTC और LG, ये दोनों ब्रांड दो फ़ोन लॉन्च किया था। जैसा कि HTC ने लॉन्च किया था ईवो 3D और LG ने लॉन्च किया था ऑप्टिमम 3D। तो व्यूअर्स, जो आपका वो जो 2011 का फ़ोन 2011 ये दो फ़ोन लॉन्च हुआ था, इसके बाद आता है 2000, बीच में कुछ एक प्रॉब्लम की वजह से एक गैपिंग हो गया था टेलीकॉम डिपार्टमेंट से या फिर मोबाइल फ़ोन फैक्ट्री से। तो उससे 2011 का प्रोजेक्ट 2014 में फिर से रिस्टार्ट किया, जैसे कि उसके बाद लॉन्च किया था आपका HTC का M8, LG का G5, V20, उसके बाद आता है आपका हॉर्नर का 9, हॉर्नर 8, हॉर्नर 9 लाइट, उसके बाद हॉर्नर 6X, ये सब और भी बहुत। उसके बाद आता है iPhone 7 प्लस, और ये सब फ़ोन लॉन्च करने के बाद वक्त आपको जो पहले वाला फ़ोन था और इस दूसरे वाले फ़ोन में टोटल अलग सा चीज़ है। वो जो दोनों फ़ोन का सिस्टम है, वो जो सिक्योरिटी, वो जो सिस्टम है, वो जो क्लैरिटी है, जो पिक्चर है जो लेता है, उस दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो आज हम बात करेंगे उस डिफरेंस के बारे में। जो पहले जो डिफरेंस था 2011 में फ़ोन का, तो वहाँ पे आपका जो पिक्चर आता था, तो जो वो जो पिक्चर ले सकते थे वो था 3D एंगल में, और वो जो डिस्प्ले पे आप दे सकते हैं वो भी 3D एंगल पे वो पिक्चर को ले सकते थे। लेकिन आप 2014 में जब वो फ़ोन लॉन्च किया, तो वहाँ क्या सिस्टम था, इस बारे में हम बात करेंगे। और 2018 में दोस्तों, आप बहुत सारे फ़ोन देख चुके होंगे कि वो जैसे कि आपका जो प्राइम मिड रेंज में, जैसे कि 1+5, 1+6, उसके बाद वीवो V9, ओप्पो, शाओमी, सैमसंग, ऐसे बहुत सारे बजट फ़ोन लॉन्च कर दिया है, जैसे कि आप एक मिनिमम नॉर्मली प्राइस में आप ले सकते हैं एक ड्यूअल रियर कैमरा वाला फ़ोन, और उससे अच्छा पिक्चर भी क्लैरिटी शॉट आता है। तो दोस्तों, उन दोनों फ़ोन का डिफरेंस क्या है, वो जो पहले वाले फ़ोन था उसमें तो बता दिया मैंने, 3D एंगल पे आप पिक्चर ले सकते थे, लेकिन अब जो आता है उस पर आप कैसे करते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ HTC की जो फीचर है, तो HTC का जो फ़ोन था वो एक एक फ़ोन एक एक ब्रांड अलग अलग तरीके से वर्क कर दिया है। HTC का M8 के बारे में, HTC का M8 कैसे वर्क करती है। HTC का जो एक दो कैमरा होता है, एक है प्राइमरी कैमरा और दूसरा है सेकेंडरी कैमरा जो उसके ऊपर रहता है। अब जो प्राइमरी कैमरा है वो एक प्राइमरी कैमरे की तरह वर्क करती है, आप उससे जैसे एक नॉर्मल फ़ोन में फ़ोटो ले सकते हैं उससे भी एक नॉर्मल पिक्चर ले सकते हैं। अब जो ड्यूअल कैमरा है, तो ड्यूअल कैमरा कैसे वर्क करती है, तो ड्यूअल कैमरा जो है वो ड्यूअल कैमरा जो सेकेंडरी कैमरा है वो क्या करता है, आपको वाइड एंगल शॉट लेने में मदद करती है। अब वाइड एंगल शॉट कैसे लेते हैं, जैसे कि वाइड एंगल जैसे आपका सेकेंडरी ऑन करने के साथ साथ ही आपको आपका जो देखता है वो सेकेंडरी कैमरा क्या देखता है, आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो डिस्टेंस है, यानी कि जो जिसका आप फोटो लेने पिक्चर लेना चाहते हैं उसका डिस्टेंस कितना है, और जो पीछे का उससे क्या क्या ब्लर करना है, तो वो सेकेंडरी कैमरा देखता है कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो कौन है और पीछे का आपका बैकग्राउंड, तो वो लेके वो एक शॉट ले लेता है। अब जो शॉट लेने के बाद उसका जो काम कंप्लीट नहीं हो जाता, उसका काम जो जितना है उसका काम है शॉट लेना। अब सॉफ्टवेयर क्या करता है, M8 का जो प्रोसेसर का सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर लेता है कि आपका सब्जेक्ट ये है, वो सब्जेक्ट को सामने लाता है और जो सेकेंड पीछे का पिक्चर है, सीनरी है, उससे ब्लर कर देता है, उससे कि आपको एक अच्छी सी बुके इफेक्ट मिल जाती है। तो दोस्तों, ऐसे हुआ करती है HTC का M8। अब बात करते हैं उसके बाद LG का जो सिस्टम है, LG भी
दोस्तों ऐसे ही वर्क करती है कि जो आपका जो पीछे का बैकग्राउंड है उस वो डिसाइड करते हैं। जैसे कि आपका जो मेन प्राइमरी कैमरा है 135 डिग्री, और जो आपका सेकेंडरी कैमरा है वो 78 डिग्री, ऐसे लेंस क्रिएट करके वो लेता है। अब LG और HTC ये दोनों एक ही तरीके से शायद ही वर्क करते होंगे, मैंने ऐसे ही देखा है। तो और जो हॉर्नर का है, तो दोस्तों आपने देखा ही होगा वावेश की वावेश जिसे हॉर्नर भी कहते हैं, तो उसकी फ़ोन में अच्छी इफेक्ट कैसे आती है। तो दोस्तों उसका जो दोनों कैमरा होता है, दोनों कैमरे की पिक्सल सेम ही होता है, ये भी 12 का तो और दूसरा भी 12 का। तो वो जो सेकेंडरी कैमरा है, तो एक प्राइमरी कैमरा होता है और एक सेकेंडरी। सेकेंडरी कैमरा कैसे वर्क करता है, अब जो सेकेंडरी कैमरा होता है उसमें सिर्फ सब कुछ सेम रहता है, लेंस लेंस का डिफरेंस थोड़ा सा आगा पीछे रहता है और बाकी चीज़ सब सेम रहती है। अब जो सेकेंडरी कैमरा का जो लेंस है वो तो सेम ही होता है, तो लेकिन उसमें एक सिस्टम है कि वो सिर्फ ब्लैक और वाइट पिक्चर को कैप्चर कर सकती है। अब जो प्राइमरी कैमरा है वो तो उसका वर्क कर ही रहा है, उसके साथ साथ जो सेकेंडरी कैमरा है वो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर लेता है। उसके उससे आपको इफेक्ट क्या पड़ता है, आप देखे होंगे कि कलर पिक्चर से ब्लैक एंड वाइट पिक्चर में क्लैरिटी ज़्यादा आती है। अब ब्लैक एंड वाइट पिक्चर लेने के साथ साथ उसका क्लैरिटी भी अच्छा आ जाता है, और नाइट फोटो डिवीजन में, नाइट में जब आप कोई फोटो खींचते हो उसमें भी आपको क्लैरिटी के साथ एक अच्छी क्वालिटी की पिक्चर देखने को मिलती है। अब हॉर्नर का ये जो सिस्टम है, ये प्रोसेसर के थ्रू दो पिक्चर, एक पिक्चर लेके वाइड एंगल्स पे एक पिक्चर लेके उससे सेंसर आपकी पिक्चर को ब्लर कर सकती है। अब जो आईफोन का जो सिस्टम है वो एकदम इन दोनों तरीके से पूरा अलग सा है। जैसे कि आप देखते हैं कि आईफोन एक महंगा आईफोन है, तो आईफोन का सिस्टम कैसे वर्क करती है ड्यूल रियर कैमरे के थ्रू। तो ड्यूल रियर कैमरा में आईफोन का सिस्टम एक होता है 28 मिलीमीटर का लेंस और एक दूसरा होता है 56 मिलीमीटर का लेंस। तो वो दोनों लेंस के थ्रू वो एक 2x ऑप्टिकल जूम लेता है, तो 2x ऑप्टिकल के जूम वो एक आपका सिस्टम को ब्लर या फिर जो भी उसकी iOS के थ्रू वर्क करती है। ऐसे ही आईफोन का सिस्टम है, ये दोनों जो भी एंड्रॉयड फ़ोन का सिस्टम है उससे वो डिफरेंट वर्क करती है। अब दोस्तों मिड रेंज में अब बात करते हैं, जो आपका फ़ोन में डुअल रियर कैमरा तो अच्छा है लेकिन आपका जो प्रोसेसर है वो अच्छा नहीं है, या फिर आपका जो प्रोसेसर जो आपकी पिक्चर को ब्लर या फिर बुके इफेक्ट दे सकते हैं वो अगर अच्छा नहीं होगा, तो आपका ये आपका जो पिक्चर क्वालिटी है वो अच्छी नहीं आ गया है। लेकिन इसीलिए आपको थोड़ी 10,000 या फिर उससे 15,000 इससे ऊपर के फ़ोन लो, तो आपको आपके लिए एक अच्छी फ़ोन बुके इफेक्ट ले सकती है। उससे कम रेंज में लोगे जैसे कि 7-8 हज़ार रुपये में, तो वो फ़ोन आपके लिए अच्छी वर्क नहीं करेगी। अब मैं करेंट जमा 2018 की ये मई महीने की बात कर रहा हूँ। अब हो सकता है उससे बाद में ऐसे भी फ़ोन आए जो मिड रेंज में या फिर लो कॉस्ट में आपको अच्छे बुके इफेक्ट दे सके। अब जो फ्यूचर की बात करते हैं, अब फ्यूचर में ये आपको कैसे एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं जो आपका जो दो लेंस होता है, दो लेंस डबल रियर कैमरे के थ्रू आपका जो टू लेंस होता है, टू लेंस आपको एक 180 डिग्री एंगल शॉट ले सकते हैं। जैसे कि आप 360 डिग्री यानी पूरी, तो वैसे ही 180 डिग्री का एक फीचर ले सकते हैं। उसके थ्रू आप अपनी VR हेडसेट में एक अच्छी क्वालिटी इमेज पा सकते हैं, वो आप 180 डिग्री में देख सकते हैं, यानी एक 360 डिग्री की हाफ। तो नेक्स्ट जो आने वाला है उसमें शायद ही हमें देखने को मिलेगा जो आपको 360 डिग्री का कैमरा यूज़ हो सकते हैं। जैसे कि आप पीछे का जो कैमरा है वो 180 डिग्री एंगल शॉट ले सकते हैं। अब फ्रंट जो कैमरा है आपके फ़ोन में या फिर आपके ज़माने में तो हर फोन में ही फ्रंट कैमरा आ जाता है, तो सेकंड फ्रंट जो कैमरा है वो फ्रंट 180 डिग्री का एंगल शॉट लेके आपको एक अच्छी क्वालिटी की 360 डिग्री की इमेज आप फ़ोन में ही ले सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही वर्क करती है आपका ड्यूल रियर कैमरा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपको इस बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं या फिर अगर आप कोई मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और प्लीज़ गाइस हमारे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे टेक वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर।